दोस्तों ये तस्वीर 1899 में दमिश्क में ली गई थी। ये बोना शख्स समीर है और वो ईसाई था और चल नहीं सकता था। इसे पीठ पर उठाने वाला मोहम्मद है। मोहम्मद मुसलमान है और नाबीना है। कहीं आने जाने के लिए मोहम्मद समीर पर इंसार करता था और समीर शहर की सड़कों पर जाने जाने के लिए अपने दोस्त की पीठ का इस्तेमाल करता था। वो दोनों यतीम थे और एक ही कमरे में रहते थे। समीर एक स्टोरी टेलर था, उसके पास कहानियाँ सुनाने का हुनर था और वो दमिश्क के कैफे के कस्टमर्स को अलिफ लैला की कहानियाँ सुनाया करता था। मोहम्मद इसी कैफे के सामने कुछ चीज़ें बेचता था और वो अपने दोस्त की कहानियाँ सुनना पसंद करता था। एक दिन जब वो अपने कमरे में थक कर आए तो मोहम्मद ने अपने साथी को मुर्दा पाया। वो मुसलसल 7 दिन तक रोता रहा और अपने दोस्त का मातम करता रहा। जब उनसे पूछा गया कि वो मुख्तलिफ मजाहब के होते हुए इतने अच्छे तरीके से कैसे साथ चलते रहे, तो उन्होंने सिर्फ अपने हाथ से दिल की तरफ इशारा करते हुए इतना कहा, यहाँ हम एक जैसे थे, दिल का मामला ये है कि ये दिल का मामला है।